बॉलीवुड को बॉयकॉट करने वाले हैरान हैं कि ये तो चमत्कार ही हो गया। जिस फिल्म के विरोध में देश भर में हंगामा बरपा था, जिसके लिए शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के पोस्टर और पुतले जलाए जा रहे थे, उस फिल्म ने कामयाबी का हंगामा बरपा दिया है। फिल्म ने पहले दिन 55 करोड़ से अधिक और 5 दिन में 280 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया है। यानी पहले ही हफ्ते में पठान 10 ऐसी फिल्मों में शुमार हो गई है जिन्हें 200 करोड़ के कलेक्शन वाले क्लब में शामिल किया गया है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पठान ने बॉक्स ऑफिस मुकाबले में बाहुबली 2, KGF 2 और RRR के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जब सारे लोग ये कह रहे थे कि फिल्म को थिएटर्स में देखने कोई नहीं जाएगा, तब मायापुरी में हमने एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी छापी थी जो साल के आरंभ में बॉलीवुड के लिए किया गया प्रिडिक्शन था। एस्ट्रो गुरु सुब्रत बनर्जी ने कहा था कि पठान कामयाबी के रिकॉर्ड्स बनाएगी। सुब्रत बनर्जी ने नए साल में फिल्म RRR की चर्चा में कहा था कि नाटू नाटू तो सिर्फ एक शुरुआत है, 2023 में बॉलीवुड में कामयाबी का बवाल है। कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचते हुए वो पठान की बम्पर कामयाबी के लिए बोल गए थे, जो सच हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार पठान जो 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, बॉयकॉट से डरती हुई 55 करोड़ का कलेक्शन कर गई। 26 जनवरी को फिल्म ने 65 करोड़ का कलेक्शन करके शाहरुख खान की फिल्मों का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पांचवें दिन सब कुछ मिलाकर इस फिल्म का अब तक का कलेक्शन 280 करोड़ बताया जा रहा है। वहीं खबर ये भी है कि फिल्म 542 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी कर चुकी है और ये सब है सिर्फ 5 दिनों में। लगता है एस्ट्रो गुरु सुब्रत बनर्जी के शब्दों में बॉलीवुड में कामयाबी का बवाल जारी रहेगा।